सागर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शहर के सबसे प्राचीन मंदिर भूतेश्वर देवालय में भगवान भोले की बारात की तैयारियां शुरू हुई, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। जब हमारे संवाददाता ने मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है, एक खास रिपोर्ट आ दिखे। शिवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। अभी हम शहर के सबसे प्राचीन मंदिर भूतेश्वर मंदिर में हैं, जो काफी वर्षों पुराना बताया जाता है। यहाँ पर हल्दी की रस्म भी हो रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव और गौरा के विवाह में उत्साहित हैं। यहाँ पर अभी मंदिर परिसर में ही खड़े हैं हम। यहाँ के पुजारी जो है मुख्य पुजारी नितिन तिवारी जी, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम होता है। पंडित जी, कितना वर्ष पुराना ये मंदिर है? लोग 7-750 साल पुराना बताते हैं लोग मंदिर है। तो इधर सब जैसे अपने यहाँ परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम मनाया जाता है, इसी सब भोलेनाथ जी का भी अपन पूरा सब श्रृंगार करके सब चीजें मनाई जाती हैं। इधर इनकी लगन वगैरह लिखी जाती है, बारात आती है, तेल हल्दी मड़वा सब कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद विवाह संपन्न होने के बाद पार्वती जी के बस सुहागलों का कार्यक्रम भी करते हैं। ये सब इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहते हैं। और आयोजन की बात करें तो कितना भव्य होता है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं? लगभग 20-25 हजार के आसपास लोग हो जाते होंगे लगभग। और ऐसा अंदाज तो नहीं पड़ता है, लेकिन लगभग इतना हो जाता होगा। और रात आज रात से ही इसकी भीड़ वगैरह चालू हो जाती, तो परसों सवेरे तक भीड़ रहती है इसकी। जी। तो अभी हमारे साथ नितिन तिवारी जी थे, यहाँ के मुख्य पुजारी। हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि किस तरह से ये मनाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह ठाकुर। कब से आ रहे हैं मंदिर आप? हम तो बहुत साल से आ रहे हैं, मगर अभी हम महात्मा है इस मंदिर का, इसे बात करिए आप थोड़ा। ये है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सूरज पटेल। ये कितने वर्षों से आप इस मंदिर? यहाँ लगभग 79 से आ रहे हैं। अच्छा, क्या महत्व है इस मंदिर? बहुत महत्व है यहाँ का, प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ पर ये मान्यता है कि जो भी लोग मांगते हैं वो श्रद्धा भाव से मांगते हैं तो उसको भगवान देता है। ये देखा आपने कि किस तरह से भक्तों में उत्साह है, भगवान शिव को जो बारात है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल मनुष्य रूप में भगवान यहाँ पर पूजे जाते हैं। लगुन लिखी जाएगी, तेल चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, बावर चढ़ेगी, बारात निकासी होगी, फिर विदाई होगी, फिर पंगत होगी, सुहागले होगी, तो पूरा बिल्कुल मनुष्य की रूप में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।